ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। भव भव का अघ संताप हरो, भव भव का अघ संताप हरो। जय महाप्रज्ञ का जाप करो, जय महाप्रज्ञ का जाप करो। एक व्यक्ति के मन में एक कल्पना आई कि मुझे ऐसे स्थान का निर्माण करना है जहाँ सब लोग आए। उसने एक बहुत बढ़िया मंदिर बनाया अपनी आशा के साथ, आशा फलित नहीं हुई। मंदिर में हिंदू लोग आए, मुसलमान नहीं आए। तो उसने सोचा मस्जिद बना दूं, मस्जिद बनाई तो मुसलमान आए, हिंदू नहीं आए। फिर उसने एक बगीचा बनाया, तालाब बनाया, अच्छा उद्यान बनाया, तो वहाँ हिंदू मुसलमान सब आए। एक साधारण चीज़ हो सबके लिए, जहाँ कोई रेखा न हो। मैं मानता हूँ अणुव्रत एक वैसा उद्यान तालाब बगीचा है कि जहाँ हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सब आ सकते हैं। और वह धर्म केवल नैतिक मूल्यों का धर्म ही हो सकता है, वह मंच नैतिक मूल्यों का। अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी श्रद्धा को कहीं भी आँच पहुँचाने की जरूरत नहीं, कहीं भी दूसरे की श्रद्धा और आस्था को खंडित करने की जरूरत नहीं। ठीक वही कि दूध में चीनी मिल जाए, और वह केवल एक ही मंच हो सकता है, और वह है नैतिकता का मंच। नैतिकता हर सामाजिक प्राणी के लिए आवश्यक होती है। किसी भी धर्म संप्रदाय को मानने वाला हो, किसी भी राष्ट्र का हो, नैतिकता को अस्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वह सबके लिए आवश्यक है। बाजार में भी जरूरी है, ऑफिस में भी जरूरी है, सरकारी कार्यालयों में, प्रशासन में भी जरूरी है, सभा संस्थाओं में जरूरी है, और कहना चाहूँगा परिवारों में भी जरूरी है। जहाँ ईमानदारी, सच्चाई, प्रामाणिकता, नैतिकता नहीं होती, वहाँ किसी का भी जीवन अच्छा नहीं होता। यह एक ऐसा सामान्य मंच है जहाँ सबका प्रवेश है। किसी भी संप्रदाय को मानने वाला हो, उसका प्रवेश है। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया, और प्रवर्तन के बाद इसमें सब लोग जुड़े। मुंबई में जो चर्च के पादरी थे, वे भी इसके साथ जुड़े। मुसलमान भाई भी बहुत जुड़े, ईसाई भी जुड़े, अन्य धर्मों के लोग भी सब जुड़े उसमें, क्योंकि सबको लगा कि यह किसी का नहीं है, सबका है। जो किसी का नहीं होता, वही सबका हो सकता है। जहाँ किसी की आस्था आग्रह हो, वह सबका नहीं हो सकता, किंतु नैतिकता एक ऐसा तत्व है जिसका संबंध सीधा सामाजिक जीवन के साथ है। जिस समाज में नैतिक मूल्यों का समादर नहीं होता, विकास नहीं होता, वह समाज अच्छा नहीं चल सकता। तो अणुव्रत आंदोलन एक मानवीय संबंधों में मिठास लाने का आंदोलन है कि मानवीय संबंध अच्छे रहें। मैंने मुंबई में, सूरत में, अहमदाबाद में,
और पहले राजस्थान में अनेक स्थानों पर देखा कि सब धर्मों के लोग मिलते हैं और धर्म के अच्छे अच्छे सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। उनको सुनकर ऐसा लगता है कि अलग क्यों, सब एक ही बात है, बात एक ही है, फिर अलग क्यों। मैंने इसका निष्कर्ष ये निकाला कि धर्म के अच्छे सिद्धांतों की समस्या नहीं है, सब मान सकते हैं, किंतु समस्या है धार्मिकों की, धार्मिक लोगों की समस्या है, उनकी भावधारा अच्छी बन जाए तो शायद कोई समस्या धर्म के नाम पर पैदा नहीं होगी। हम जब अहमदाबाद में थे और वह हिंदू मुस्लिम दंगा उस समय चल रहा था, उस समय हमने दोनों पक्षों के नेताओं से बात की, अनेक बार बात करके और सबको साथ बिठा कर एक आचार संहिता बनाई। उसका एक सूत्र यह है कि किसी भी संप्रदाय का त्योहार, पर्व, उत्सव हो, दूसरे संप्रदाय के लोग उसका आदर करे, बहुत अच्छी उदारता की बात है, और अगर आदर न कर सके तो कम से कम उसमें कोई बाधा न डाले, विघ्न उपस्थित न करे, तो हमारे ये दंगों की स्थिति बहुत कम हो जाएगी। सब हम स्वीकार करें कि लोकतंत्र में सबको अपने अपने विचार, अपना चिंतन सुरक्षित रखने का अधिकार है, किसी को भी वैचारिक क्षेत्र में परतंत्र नहीं किया जा सकता, तो धार्मिक क्षेत्र में तो परतंत्र किया ही नहीं जा सकता। इस सच्चाई को मानकर चलें और सबका समादर करें। धार्मिक मान्यता का मंच अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सबकी अलग आस्थाएं होती है, अलग अलग हो सकता है, किंतु यह मानवता का मंच है, यह सबके लिए समान है, मनुष्य है, यहां कोई मतभेद नहीं हो सकता। तो हम मनुष्य हैं और इसलिए एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए यह आवश्यक है कि वह सम्मान करे, तिरस्कार न करे, किसी को कष्ट न पहुंचाए, किसी को बाधा न दे, सबका सम्मान, सबके लिए समादर का स्थान, इसकी आवश्यकता है। समस्या क्या है कि जो सांप्रदायिक सौहार्द होना चाहिए वह उतना नहीं, और इसका कारण मैंने खोजा कि संदेह बहुत रहते, उन संदेहों का निराकरण किया जा सके तो एक मानवता के धरातल पर सब लोग एक आसन पर बैठ सकते हैं। बस हमारा प्रयत्न है कि वह संदेह का जो चक्र टूटे, उसका पहला साधन मैं मानता हूँ मिलन, मिलना, परस्पर में मिलना, बातचीत करना, एक बहुत अच्छा है उपक्रम। राजस्थान का एक अच्छा कस्बा है बालोतरा, औद्योगिक नगर है, वहाँ हम अभी यात्रा, अहिंसा यात्रा के दौरान गए तो सबसे पहला स्वागत द्वार मुस्लिम भाई के द्वारा बनाया गया था, हिंदुओं का, जैनों का सब बाद में, सबसे पहले प्रवेश करते समय मुस्लिम भाई का घर और उसके एक दरवाजा उसमें लिखा हुआ था। वहाँ हमने अहिंसा यात्रा की तो हिंदू मुसलमान सब साथ थे, अहिंसा की रैली निकाली गई, सब साथ थे। उसके बाद मेरे पास सब लोग बैठे थे, मैंने पूछा आप में अच्छा सौहार्द है, इसका कारण, तब सब ने बताया कि हमने एक समिति बना रखी, उसमें हिंदू मुसलमान सब साथ हैं, नगर की कोई भी समस्या होती है, चाहे होली दिवाली की हो, चाहे ताजिया की हो, किसी अवसर पर कोई समस्या होती है तो हम जो समिति के 5-10 लोग हैं वे बैठ कर उस पर चिंतन कर उसका समाधान निकाल लेते हैं। गांव में कहीं दंगा होने की कोई अपेक्षा नहीं होती, जरूरत भी नहीं होती, समाधान हम स्वयं कर लेते हैं। मुझे लगा कि यह उदाहरण सब जगह लागू हो जाए
कि कोई भी समस्या हो तो उसे सब लोग मिलकर आपस में सुलझा लें, परस्पर चिंतन कर लें और उसका समाधान खोज लें तो बहुत अच्छा हो सकता है। एक तरीका है कि हर नगर में ऐसे लोग जो प्रमुख दोनों संप्रदायों के या तीनों संप्रदायों के चारों के जो भी लोग होते हैं, परस्पर में एक ऐसा उनका संगठन रहे कि कोई भी समस्या आए किसी भी पक्ष की ओर से, सब साथ में मिलकर बैठकर चिंतन कर उसका समाधान निकाल लें तो शायद स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि समस्या आवेश की होती है, आवेश कोई भी स्थिति आई और उस समय आवेश में लोग काम कर डालते हैं। चिंतन करें तो आवेश को अवकाश नहीं रहता। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि जर्मनी में जो फौजदारी केस होते हैं, जो क्राइम संबंधित होते हैं, क्रिमिनल केस, और कोर्ट में जाते हैं, न्यायाधीश उसको स्वीकार नहीं करता, उसको समय देता है कि 3 घंटा 5 घंटा तुम बैठे रहो, फिर बाद में केस प्रस्तुत करना। उसका परिणाम यह आया कि 70% लोग वापस चले जाते, क्योंकि सारा काम आवेश में होता है, उत्तेजना में। अगर आवेश को शांत करने की प्रक्रिया हो तो परस्पर में दंगा करने की स्थिति शायद 5% की मुश्किल से रहेगी। ऐसा कुछ होना चाहिए, हमें कुछ व्यवस्थाओं को भी बदलना चाहिए कि जब आवेश में कोई काम न हो। मैंने गुजरात के गांवों में लोगों से एक बात कही कि न तो हिंदू हिंदुस्तान को छोड़कर जाने वाले और न मुसलमान यहाँ के छोड़कर जाने वाले, साथ में रहना है, साथ में जीना है तो फिर शांति से जियो तो विकास होगा, गरीबी नहीं बढ़ेगी, शांति रहेगी। और लड़ते झगड़ते रहोगे तो न तो विकास होगा, न गरीबी मिटेगी और दुख का जीवन जीना पड़ेगा। एक सामान्य बात है, हर आदमी को हमें समझाना चाहिए कि शांति में विकास हो सकता है। यह बात आज पश्चिमी देशों के समझ में आ गई और वहाँ युद्ध आदि की चर्चाएँ बहुत मंद हो गई और वे मानते हैं कि विकास के लिए शांति मस्ट अनिवार्य है, उसके कोई सिवाय उपाय नहीं है। हमारी जनता को भी, भारतीय जनता को भी यह प्रशिक्षण मिलना चाहिए कि तुम्हें विकास करना है तो शांति के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। और गरीबी में जाना है और नीचे जाना है तो लड़ने के सिवाय कोई दूसरा अच्छा उपाय नहीं है, सारा उसी में होगा। तो हम कैसे आवेशों को शांत रख सके, अहिंसा प्रशिक्षण का कार्य जो चला है अहिंसा यात्रा में, ये हमने देखा कि उसमें जो लोग आते हैं उनके आवेशों पर कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है और शांति की प्रक्रिया से भी जुट जाते हैं, एक नियंत्रण होता है। अहिंसा की बात यह किसी संप्रदाय की बात नहीं है, यह मानवीय संबंधों की बात है कि दो आदमी के साथ में रहना है, चाहे परिवार के ही दो भाई हैं साथ में रहना है। अगर अहिंसा का प्रशिक्षण नहीं है तो भाई भाई भी लड़ने लग जाएंगे। और आज अगर हिंदुस्तान के न्यायालयों का सर्वेक्षण करें तो भाइयों के केस भी आपको हजारों मिल जाएंगे। हमने भी देखा है एक धर्म को मानने वाले, एक जाति के लोग और सगे भाई, और केवल ये जो स्टेज का थोड़ा सा हिस्सा ऐसे मकान के आगे थोड़ा सा चबूतरा उसको लेकर लड़े और लाखों रुपए कोर्ट में होम दिए, फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। क्या होता कि थोड़ा सा हिस्सा इधर रह जाता उधर रह जाता, सारा आवेश का प्रश्न है, आग्रह का प्रश्न है। हम कैसे आग्रह को शांत रख सके और आग्रह को शांत रखने के लिए सबसे अच्छा साधन है चिंतन। तो मिलन यानी मिलना,
दूसरा है सहासन, एक साथ बैठना, साथ बैठना, मिले साथ में बैठे, और सह चिंतन, फिर साथ में बैठ के चिंतन करें कभी ये जो समस्या है हम इसको कैसे सुलझाएं। बड़ा अच्छा होता है, जो चिंतनशील लोग होते हैं समस्या को बहुत अच्छे ढंग से सुलझाते हैं। मैं आपको एक पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह की बात सुनाऊं। बड़े विचित्र राजा शासक हुए हैं और इतने उदार, इतने संभावी, एक प्रकार से साधक व्यक्ति जैसे कहा जा सकता है। तो प्रसंग आया, ताजिया निकल रहा था, रास्ता था तो उसमें बड़ आ रहा था, तो अब बड़ को काटना जरूरी है, बड़ की कुछ शाखाओं को, ऐसे ताजिया निकल नहीं सकता। उनका आग्रह कि बड़ कटे, हिंदुओं का आग्रह कि हमारा पवित्र वृक्ष है ये काटा नहीं जा सकता, दोनों ओर समस्या उलझ गई। और देखा कि विग्रह बढ़ जाएगा, समस्या उलझ जाएगी। महाराजा ने रातों रात अपने कर्मचारियों को भेजा और जो भूमि थी इतना खुदा दिया कि ताजिया निकल सकता है, बड़ काटने की जरूरत, समाधान हो गया, कोई सारी समस्या सुलझ गई। ऐसा हम समाधान खोज सके महाराजा रणजीत सिंह जैसा, कितना अच्छा हो। एक मुस्लिम भाई ने कुरान लिखी, कुरान शरीफ इतनी बढ़िया लिखी, मूल्य बहुत था, कोई लेने वाला नहीं। आखिर महाराजा रणजीत सिंह के पास गया, उन्होंने देखा कि बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, अपने मंत्री को आदेश दिया कि इसको खरीद लो। तब किसी ने कहा, महाराजा आप तो हिंदू हैं और ये मुस्लिम भाई मुसलमान के द्वारा है, कुरान है उनका ग्रंथ, आप कैसे खरीदते हैं? तो बोले, मैं तो सबको एक आंख से देखता हूँ। वास्तव में प्रकृति से उनकी ऐसा था, एक आंख से देखता हूँ सबको। इस प्रकार का उदार और उदात्त चिंतन समाज में व्याप्त हो, यह हिंदुओं का भी काम है, मुसलमानों का भी काम है, ईसाइयों का काम है, पारसियों का काम है, जो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं उन सब का काम है कि ऐसे वातावरण का निर्माण करें जो सब अहिंसा, शांति और भाईचारे के साथ रह सके। व्यक्तिगत आवेश होता है, ये तो मानकर चले कि मनुष्य में आवेश है, उसको एकदम तो हम मिटा नहीं सकते, काफी शांत कर सकते, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें शांत नहीं होता। तो इस आधार पर, चिंतन के आधार पर हमने एक दूसरा सूत्र बनाया, और वह बहुत काम का सबके लिए, कि किसी व्यक्ति के द्वारा, चाहे वह किसी समुदाय का हो, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध कर जाने पर पूरी जाति या पूरे संप्रदाय को दोषी न माना जाए। मान लो किसी हिंदू ने किसी मुसलमान के साथ कुछ कर दिया, या किसी मुसलमान ने किसी हिंदू के साथ कर दिया, वह व्यक्तिगत मामला है। अब उस व्यक्तिगत मामले को जाति और सांप्रदायिक रूप न दिया जाए, यह बहुत आवश्यक है। अन्यथा होता है कि थोड़ा सा होता है, पूरा समाज आपस में विग्रह में जुट जाता है। तो इन कुछ बातों पर जो मैंने संकेत किए अहिंसा यात्रा के दौरान, हमने इन पर काम किया तो सैकड़ों हजारों हिंदुओं ने, मुसलमानों ने यह संकल्प लिया कि हम अपनी ओर से कभी दंगा नहीं भड़काएंगे और किसी दंगे में भाग नहीं लेंगे। इस प्रकार का चिंतन चलता रहे और सब भाईचारे से रहे। मैं आपसे कहता हूँ, गुजरात में हम बहुत मुसलमानों के घरों में रहे, उनके घरों में रहे, उनके विद्यालयों में रहे, मदरसों में रहे। एक गांव में गए जहाँ एक विद्यालय था, हम वहाँ रह गए। अब शादी प्रमुख और उनको रहना था, तो उन्होंने कहा कि सामने एक बहुत अच्छा मदरसा है, वहाँ जाकर उनसे संपर्क किया कि हम रहना चाहते। उन्होंने कहा बहुत आदर से, रात भर रहे, शायद हमारा विद्यालय तो पुराना था, इनको बहुत अच्छा स्थान मिल गया, रात भर आनंद से रहे। तो सबके बीच रहे, सबसे संपर्क किया। और मैं आपको बताऊं कि हर व्यक्ति में उदारता, भलाई होती है,
पर एक संदेह के कारण परस्पर मिलते नहीं, बातचीत नहीं करते, साथ बैठ कर नहीं सुलझाते, इसीलिए होता है और समस्याएं होती है। हम मुंबई के अहमदाबाद के पास आए और एक विद्यालय में रहे, मुस्लिम समाज के बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति वहाँ आए। आकर बोले, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं पूरे विश्व में घूमा हूँ पर हिंदुस्तान जैसा बढ़िया देश मुझे नहीं लगा, और हम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी रहेंगे, छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों। तो एक बड़ी अच्छी बात है ये कि ऐसी निष्ठा राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति हो और परस्पर में ऐसे अच्छे संबंध बने, तो मैं मानता हूँ कि इस समस्या को काफ़ी सुलझाया जा सकता है। यह भी मैं मानता हूँ कि यह प्रयत्न हमारा शुरू हुआ है, 2-3 वर्ष से यह चल रहा है और आज एक अच्छा संबंध जुड़ गया। हम पर बहुत लोग विश्वास करते हैं। नसीम खान है, मुंबई में एक मंत्री है, 7 मुस्लिम नेताओं को लेकर हमारे पास आया था मुंबई में। उन सब ने अहिंसा यात्रा की बात जानी और कहा कि हम सब तन से, मन से, धन से आपकी यात्रा के साथ हैं और बिल्कुल इस अहिंसा यात्रा में साथ रहेंगे। तो मैं मानता हूँ सब समाज में इतने अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बस केवल यही है कि दूरी न रहे, संदेह न रहे, मिलते रहे, साथ बैठते रहे, समस्या पर एक साथ बैठ कर चिंतन और विचार करते रहे, तो समस्या को सुलझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुनि शुक्ला जी बता रही है, स्थान भी एक मुस्लिम भाई का ही है, जहाँ हम आज काम कर रहे हैं, जहाँ बैठे हैं, रह रहे हैं। तो इस जो हम प्रारंभ करें अनुव्रत आंदोलन के साथ, अहिंसा यात्रा के साथ, तो मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि अहिंसा के विषय में एक व्यापक दृष्टि से विचार करें, कैसे सद्भावनापूर्ण वातावरण बने, कैसे मानवीय संबंधों में सुधार आ सके, इन सब पर विचार कर इस काम को आगे बढ़ाना है। जो मुस्लिम भाई आए हैं वे हैं, और मैं चाहता हूँ वे भी अपने धर्म गुरुओं के साथ ही इस प्रकार का चिंतन कर और ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे अहिंसा, शांति और विकास की यात्रा अबाध गति से चले। और भाईचारा, वास्तव में भाईचारा तो बहुत है, राजस्थान में देखा, यहाँ भी मैं देख रहा हूँ सब जगह, तो आपस में बाजार में तो इतना भाईचारा है कि साझे में दुकान है, साझे में सब है, बाजार में तो भाईचारा है, दुकान साथ साथ चलते हैं, साथ बैठते हैं, इतना अच्छा है। बस कहीं कहीं गलियों में आते हैं तब कहीं हो जाता है, तो इस गली की बात को हम और अधिक अच्छा बना सकें तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण कर और हिंदुस्तान को एक ऐसा रूप दे सकते हैं कि जहां सब संप्रदाय धर्मों के लोग बड़े आनंद के साथ, शांति के साथ रहते हैं। ओम अर्थ आचार्य महाप्रज्ञ 20वीं-21वीं सदी के अतुलनीय दार्शनिक, अद्वितीय विचारक, विलक्षण साहित्यकार, अद्भुत प्रवचनकार तथा जन उद्धारक थे। उनके सृजनशील चिंतन, कल्याणी वाणी ने प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में एक स्थान बनाया। सरल भाषा में जीवन की सच्चाइयों को छूने वाले उनके विचार श्रोता व पाठक के हृदय में उतरकर आत्मनिरीक्षण, स्वदोष दर्शन व आत्म परिष्कार की भावना जागृत करते हैं। उनका समग्र साहित्य अब आ रहा है महाप्रज्ञ वाङ्मय के रूप में। 121 पुस्तकों की यह नवीन समायोजना महासवर महाप्रज्ञ गुरुवर आए स्थाकाय चढ़ाए, अमल ध्यानी विशद ज्ञानी अमर है तेरी रिचाए। महासमर महाप्रज्ञ गुरुवर आए स्थाकाय चढ़ाए, Thank you.
प्रज्ञ गुरुवे नमः। गुरुवे नमः, गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः।